आवश्यकता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस बाग से कुछ फूलों को तोड़ सकूं। क्या कहा? आप महाराज दशरथ के पुत्र हैं, आपके गुरुदेव विश्वामित्र जी हैं, उनकी पूजा के लिए फूल लेने के लिए आप आए हैं, तो मैं आपको सुनाता हूं, उसको आप सुने कि ये बाग किशोरी जी का है। किशोरी जी जानते हो किससे कहते हैं? यानी जानकी जी का, सीता जी का बाग है ये। इस बाग में कोई भी फूल इत्यादि फल लेने के लिए आएगा तो किशोरी जी के नाम का जयकारा लगाएगा और फूल ले जाएगा। बोलो, राजी हो? हे भैया माली, हाँ मुझे आपकी शर्त मंजूर है। हाँ तो करो। सीता मैया की जय। हाँ, शर्त आपने पूरी की, तो सुनो कि ये बगीचा तुम्हारी तोड़ ले फूल।
ये बाग आपका है, आप फूल ले सकते हैं। इस सेवक से क्या आज्ञा लेना है प्रभु? लीजिए पार, आप फूल ले सकते हैं प्रभु। लगे लेन तन फूल मुदित मन, भगवान सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ने लगते हैं। होता क्या है कितने ही अवसर अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम में कितनी बड़ी मर्यादा है। फूल लेने गए लेकिन माली के बगैर इजाजत के फूल नहीं लिए। जब माली ने आज्ञा प्रदान की तभी फूल लेने लगे प्रभु। जिस समय प्रभु फूल ले रहे थे अपने गुरु की पूजा के लिए पुष्पों को चयन कर रहे थे, उसी समय जगत जननी जो जानकी जी है अपनी माँ की आज्ञा को मान करके गौरी माँ की पूजा करने के लिए उसी बगिया में आई। जय श्री राम। संग सखी सब सुबह से आने का गीत मनोहर वाणी। हाँ सत्य, संग सखी अकेली नहीं, ये हमको उपदेश मिल रहा है कि हम अपनी जवान लड़की को कहीं अकेले में ना भेजें। लेकिन माँ ने इनको सीता जी को अकेला नहीं भेजा है, हालांकि पूजा को आई है लेकिन साथ में सखियां आई है। वो इतनी चतुर सखियां हैं, बड़ी सुंदर मनोहर वाणी के द्वारा गान करती हुई और माँ गौरी की पूजा के लिए पधारी है। जय श्री राम। मजर कर सरसद समेत आ गई मुदित मन गौरी निकेता। हाँ सज्जन, इस बगिया में एक सुंदर तालाब भी है। राजा जनक की व्यवस्था है कि इस जो भी पूजा के लिए आएगी हमारी पुत्री तो पहले स्नान करेगी और स्नान करने के बाद फूल इत्यादि लेकर के माँ गौरी की पूजा करेगी। तो वही किया सीता जी ने, सखियों के साथ स्नान किया और पूजा की संपूर्ण सामग्री को लेकर गौरी माँ का मंदिर पास में ही बना है, उसमें पूजा के लिए गौरी माँ के मंदिर में जाती है सीता जी। पूजा की अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभग बरमांगा। शिवकारी भैया, जैसे कि मैं हूँ वैसा मुझे भर प्राप्त हो इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। गौरी माँ ओम जय अम्बे गौरी माता, मैं आपकी पूजा क्या करूँ भैया, आप तो जानती हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, अरे तुम कौन से दिन से गत जगदम्बा विष्णु। Yeah.
ये अनुरूप सुभग वर्मा एक सखी सी श्रोता बंधुओं, अभी आपने देखा जानकी मैया ने गौरी माँ की पूजा की और क्या किया कि निज अनुरूप सुभग वरमाला। सीता महारानी ने अपने जैसा सुंदर स्वरूप वाला ही पति मांगा है? जैसा हमारा सुंदर स्वरूप है ऐसा ही हमको पति मिले मां। इसके बाद पूजा करने के बाद एक सखी उनके साथ में आई थी, वो थोड़ा भूल गई थी, बगिया में गर्दम घूमने लगी थी। तो उस सखी ने क्या किया, ते दो पंत बलों के जाई और प्रेम विवश सीता पर आई। वो सखी राम लक्ष्मण को उसने देख लिया, फुल बगिया बड़ी मनोहर जोड़ी थी, मोहित तो हो गई और मोहित तो होकर के उनके रूप लावण्य की सुंदरता का पठान करती हुई सीता जी के पास आई। प्यारी सखी, अरे इधर आओ। अरे प्यारी सखी, तुम तो बाग में पुष्प लेने के लिए गई थी और ये तुम क्या हालत बना के आ गई हो बताओ। के कुछ दादा है या पीरा है और सदमा है या बीमार है, लड़कर आई हो और किसी जगह या किसी बात के मारी है। मुझको ना दर्द न सदमा है, न रोग न कुछ बीमारी है। तो क्या बात है, मैं जिसे देख कर आई सके। ऐसे तुम क्या बात में देख कर आए हो जिससे तुमने अपनी ऐसी हालत बना ली है कि सुन सुन कर तेरे बचना को और मुझ में इत्साह जागता है कि इस रंग मंच के और पर्दे में चुना
आप हमारे साथ ही चलिए बाग में, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है चलो। बाग में तो राजकुमार श्यामल और सुंदर शरीर ये आए हुए हैं और उनको देखकर मैं चकित रह गया। प्यारी सखी, अरे मुझे दिखाओ हो अपने बाग में तो राजकुमार आए हुए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, चलो। हाँ सज्जनों, जब जानकी जी ने अपनी सखी के द्वारा सुना कि दो सुंदर राजकुमार फुलबगिया में आए हुए, उनकी रूप लावण्य की सुंदरता का बखान जब किया तो सीता जी का भी मन उनको दर्शनों के लिए उत्कंठित हो चुका, इसलिए उनकी सुंदर स्वरूप के झांकी करने के लिए जानकी मैया अपनी सखी के साथ उधर ही जा रही हैं, जहाँ प्रभु राम लक्ष्मण फूलों को तोड़ रहे हैं। ये हुआ कि नारद जी के वचनों का सीता जी को उसी समय भान हो ज्ञान हो गया। नारद जी ने कभी इनको बताया था कि तुमको पहली मुलाकात त्यारे पति की तुम्हारी फुलबगिया में ही होगी, तो वो बात याद आ गई, इसलिए सीता जी के अंदर प्रभु के प्रेम प्रेम जो मंडे लगा और चारों देखने लगी हमारे मन को आकर्षित करने वाले हमारे स्वामी किधर है। जय श्री राम। ये प्रभु ये पायल